हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मुरमुरा लड्डू, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और सिर्फ दो चीज़ों से हम बनाकर एकदम मार्केट के जैसे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इसको एक बार बनाएं और महीनों भर खाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये क्रिस्पी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो बचपन में आपने ये खाए होंगे, तो कॉमेंट के ज़रिए ज़रूर से बताइएगा किस किस ने ये लड्डू खाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर हमने लिए हैं 4 कटोरी मुरमुरे। जिस कटोरी से मैंने नाप कर मुरमुरे लिए हैं, उसी कटोरी से नाप कर मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है, तो गुड़ अच्छा वाला होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लाइट कलर वाला गुड़ लिया है, तो इसके लिए आप अच्छा गुड़ लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर हमने लिया है एक पैन, इसमें हम मुरमुरों को रोस्ट कर लेंगे। 2 बार में करके हम इसको मुरमुरों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट इसको क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाया। इस तरह से टूटना चाहिए, यानी कि चूरा हो रहा है। तो ये बिल्कुल तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम गुड़ को मेल्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको भारी बर्तन लेना है, ध्यान रख। तो लो फ्लेम पर हम इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे। बर्तन भारी होगा तो ये जलेगा नहीं, अगर बर्तन हल्का है आपका तो ये बहुत जल्दी से जल जाएगा, जिससे कि टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो 3 से 4 मिनट हमें इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर पका लेना है। देखिए बबल्स आ चुके हैं, अब हम इसी तरह से इसको पकाएंगे और इसको पानी में डालकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर कटोरी में हमें पानी ले लेना है ठंडा। इसमें हम ये डालेंगे गुड़ का बैटर थोड़ा सा, और इसको देखिए इस तरह से चेक करेंगे। अगर ये खिंच रहा है तो इसका मतलब ये तैयार नहीं है अभी। ये देखिए इस तरह से खिंच रहा है, अभी हम इसको और पका लेना है। तो इसी तरह से हम इसको 1 मिनट और पका लेंगे, फिर से हम इसको चेक करेंगे। तो फ्लेम को लो रखना है, ध्यान रखना है आपको इस बात का। तो ये देखिए पानी में डालकर फिर से चेक करेंगे, ये टॉफ़ी की तरह से टूटना चाहिए। ये देखिए इसको चेक करेंगे, इस तरह से ये टूट रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये टूटना चाहिए, इसमें से एक आवाज़ आनी चाहिए। फ्लेम को ऑफ़ करते ही हम इसमें ये डाल देंगे मुरमुरे। तो बहुत जल्दी से ये प्रोसेस आपको करना है, नहीं तो ये लड्डू नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखना है। अच्छे से हम इसको बहुत जल्दी से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। सेम प्रोसेस से आप सेम मेथड को फॉलो करते हुए बनाइए, बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो ये देखिए गरम गरम को ही हमें लड्डू बनाने हैं। तो ठंडा पानी हाथों पर लगाएंगे, कटोरी में पानी रख लेंगे। इस तरह से हमें जितना साइज़ लेना है इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे, अच्छे से शेप दे देंगे। बहुत ज़्यादा ठोस नहीं होते हैं ये लड्डू, बहुत हल्के हाथ से हम इसके बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए हाथों पे पानी लगाते रहेंगे, इस तरह से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो आप लोगों ने बचपन में खाए होंगे, तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर से मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आप किस किस ने ये लड्डू खाए हैं, किस किस की याद ताज़ा हुई है बचपन की। तो ये आप बनाइए घर पर, बहुत अच्छे, आप इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए सारे लड्डू बनकर हमारे तैयार हैं। आप इसको पन्नी में पैक करके रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, बहुत अच्छे क्रिस्पी बने रहते हैं। ये देखिए कितने अच्छे खस्ता ये क्रिस्पी हमारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, एकदम बिल्कुल बाज़ार के जैसे, बहुत अच्छे खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, बनाइए और इसको महीनों भर खाइए। बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू, बिल्कुल बाज़ार जैसे, यानी कि हमारे बचपन के जैसे ये लड्डू घर पर बनकर तैयार हो जाते हैं। तो रेसिपी को ट्राई करें, रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।